देश में आ गई तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत कितनी होगी और प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर क्या कहा, क्या है देश के गांव का हाल, देखते हैं टॉप 9 कोरोना अलर्ट। देश में पहली बार कोरोना वैक्सीन का विदेशी टीका लगाया गया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका दीपक सप्रा नाम के शख्स को हैदराबाद में दिया गया। दीपक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के कस्टम फार्मा सर्विस के ग्लोबल हेड हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से लोगों को लगाई जा रही है। ऐसे में तीसरी वैक्सीन आने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को और ज्यादा बल मिलेगा। भारत में रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। अपने देश में इसकी कीमत 948 रुपए होगी। साथ ही वैक्सीन पर 5% GST अलग से लगेगा, यानी कुल मिलाकर टैक्स के बाद एक डोज की कीमत 995 रुपए हो जाएगी। जल्दी ही स्पुतनिक वी का उत्पादन भी भारत के अंदर ही शुरू होने जा रहा है। गुरुग्राम में ड्राइव इन वैक्सीनेशन का ट्रायल चलाया गया है। इस ट्रायल के दौरान 200 लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह से वैक्सीनेशन से लोगों के संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को आगाह किया है। कोविड-19 महामारी को एक अदृश्य दुश्मन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार इस महामारी की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि देश इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा। पीएम ने टीके को कोरोना से बचाव का बहुत बड़ा माध्यम बताया है। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन लोग न जांच के लिए तैयार हैं, न वैक्सीन के लिए। बताया जाता है कि गांव में 15 दिनों के अंदर 10 ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई जो सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित थे। यहां के हालात को देखते हुए गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना जांच और टीका लगाने के लिए शिविर भी लगाया, लेकिन एक भी ग्रामीण न तो टेस्ट कराने आए और न ही वैक्सीन लगवाने। चेन्नई में हालात ऐसे बन गए कि कोरोना की दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन ही रोकना पड़ा। ये काम चेन्नई के किल पार्क मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ बढ़ गई कि सारी व्यवस्था ही तहस नहस हो गई। यहाँ रेमडेसिविर दवा जरूरतमंदों को दी जा रही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमीर देशों से अपील की है कि वो बच्चों के टीकाकरण के बारे में फिर से विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन देशों को राय दी कि इसके बजाय वो कोवैक्सीन योजना के तहत देशों को कोविड-19 वैक्सीन दान करें। WHO के प्रमुख ने भारत के बारे में चिंता जाहिर करते हुए यह भी कहा कि महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में ज्यादा जानलेवा साबित होगा। चित्रकूट में एक बार फिर बाल सुधार गृह कोरोना की चपेट में आ गया। शुक्रवार को यहां दो और बाल कैदी कोरोना संक्रमित निकले। दो दिन पहले इसी बाल सुधार गृह में 7 बच्चे कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद सभी संक्रमित बच्चों को आनन फानन में अलग शिफ्ट किया गया। पहले संक्रमित हुए 7 बच्चों की स्थिति ठीक है और चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। नागपुर से कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ परेशान करने वाली भी। मरीजों की संख्या कम होने से बेड और ऑक्सीजन की किल्लत भी कम होती नजर आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी कम होते नजर नहीं आ रहे हैं और यही चिंता की बड़ी वजह है। जो पेशेंट निकलने की जो संख्या है वो थोड़ी कम होते नजर आ रही है, साथ ही साथ जो डेथ है डेथ अभी भी बरकरार है, डेथ में अभी कमी आने की जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।